पिछले एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा कि हमने कैसे एक पोर्च खरीदी और पोर्च बहुत अच्छी भी लग रही थी रेड कलर में। और अभी अभी आगे के देखोगे तो खुद तो पता चल जाएगा आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। वेलकम बैक भाई लोगों, मैंने इंट्रो करने के लिए ऐसी तीन गाड़ियां लगाई तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। और मैंने कि ऑडिटी पहले से खरीद के रखी, अब तक के बेचनी है। और भाई रात का समय है तो सबसे लाइटें बंद कर दो भाई गाड़ियों की, फालतू का पता चला पेट्रोल खत्म हो गया मेरी गाड़ियों का। और देखो अभी एक को सबसे पहले गाड़ी भी हटा देने दो क्योंकि बीच में से, क्योंकि मेरे को अभी ऑडी टी टी को भी सेल करना है। वैसे भी रात का समय है तो अभी हमको जाके सोना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग चलते सोते हैं। सबसे पहले सुपरा को पहले बंद करने दो। और भाई हमारी पोर्च तो क्या भाई, उसकी स्पीड तुमने देखी है? जिन लोगों ने पिछला वाला एपिसोड देखा है ना, तो उनको जरूर से ज़रूर पता होगा कि उस ये वाली जो पोर्च है इसकी हाई स्पीड कितनी है। अगर नहीं देखा तो ठीक है, वो तुम जाके देख लेना, बट अभी को थोड़ा भी को पहले ये कम करने दो। और अभी हम लोग चलते सोने के लिए भाई फटाफट से, गाड़ी की स्पीड बहुत जल्दी से पकड़ लेती है पोर्च हमारी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह हो चुकी है दोस्तों, कह रहा हूँ गुड मॉर्निंग भाई लोगों। और अभी सुबह हो चुकी है, हमारा कार मार्केट प्लेस भी ओपन है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं नेबरहुड के अंदर। मैं तुमको हमारा आज का गोल ही नहीं बताया हम अभी। देखो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, हम लोग है ना एक हमारा सबसे सुपर कार का वो करते हैं, मतलब समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग बहुत सारी सुपर कार्स को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद बहुत अच्छा काम हो जाएगा हमारे यहाँ पे। NG5 गाड़ी पड़ी थी, और कौन सी अच्छी गाड़ी दिख रही है क्या मुझे भाई? मेरी पोर्च बहुत सही लगती है फुल रेड कलर में। अभी अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं पोर्च का कलर चेंज करूँ तो कमेंट करो जल्दी से भाई, गाड़ी कुछ काम के नहीं है। नेबरहुड में सही कहूँ ना तो यहाँ पे सुपर कार्स कतई ही नहीं मिलती। देखो मस्टैंग क्या, हाँ मस्टैंग है, हाँ बट मस्टैंग तुम कहोगे सुपर कार है मिड रेंज की, हाँ मस्टैंग है मिड रेंज की सुपर कार है, तुमको वो मिल जाएगी। सुपरा भी मिल जाएगी, जैसे सुपरा को तो सुपर कार है भाई। तू बीच में आ जा गाड़ी के वाले, तू गाड़ी से रुक जा बेटा, उसको गाड़ी से निकल के मारूंगा यार। ऐसा गेम वालों को फीचर डालना चाहिए कि हम गाड़ी से निकल के लोगों को मार सके। मैंने तुमको बताया कि मेरे को एक सुपर कार खरीदनी है, और मैंने सुपर कार में से दो कारों को डिसाइड किया है। एक कार है हमारे से लैम्बोर्गिनी या फरारी। मेरे ज़्यादातर चांसेस सिर्फ फरारी की तरफ ही रहेंगे, क्योंकि तुम देखो लैम्बोर्गिनी कैसे है कि मैंने उसके थोड़ी वीडियोस देखी है कार फॉर सेल की, और उनके अंदर लैम्बोर्गिनी की स्पीड जो ना बहुत ही स्लो है। समझ सकते हो, क्योंकि लैम्बोर्गिनी भी इस गेम के अंदर ओल्ड वाली है तो न्यू वाली नहीं है। तो तुम्हें पता हो कि लैम्बोर्गिनी जो न्यू वाली ना वो बहुत क्लासिक है, ओल्ड वाली भी है तो तुमने देखा भी होगा यार, हमने एक दो बार आए थे कार मार्केट में तो हमको दिखी भी थी। लेट्स सी भाई हमको फरारी मिलती है कि नहीं, नहीं तो हमको हमारी टेक्निक लगानी पड़ेगी घर पे जाके। सो ओ वेट, फरारी तो है भाई लेफ्ट साइड में, और अच्छी अच्छी गाड़ियाँ ढूंढते हैं हम लोग। फरारी तो मिल गई, लेट्स सी बच्चे तू कितनी की बेच रहा है। फरारी F430 गाड़ी थोड़ी पुरानी है भाई, क्योंकि सुपर कार इसके अंदर पुरानी मिलती है। मर्सिडीज कूप भी है भाई, तो मर्सिडीज कूप खरीदेंगे हम लोग भाई। क्या लग रही है यार ये फरारी भाई, ये बच्चा है भाई, $4,12,000 की गाड़ी बेच रहा है, इतनी महंगी थोड़ी होनी चाहिए। मैं इसको 4 लाख के बोल के देखता हूँ, मान भी जाएगा। और भाई लेट्स सी मानता है कि नहीं, मैं नहीं मानता मैं इसको और कम करूँगा। लेट्स सी, अरे यार भाई मेरे को लगता है थोड़ा और कम करना चाहिए था मुझे, बट कोई बात नहीं, हमने फरारी भी खरीद ली है और मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी मिल जाएगी। सबसे पहले इसको थोड़ा वो कर देते हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान से इसको साफ वाफ करेंगे जिससे हमको XP भी मिल जाएगी। और मुझे लिटरली पता नहीं था कि बस इतनी जल्दी हमको फरारी मिल जाएगी कार मार्केट के अंदर, मुझे लगा था मेरे को ऑक्शन से खरीदनी पड़ेगी, बट कोई बात नहीं। और अभी देखो हमने एक फरारी भी खरीद ली, अभी हमारे पास कितनी सारी सुपर कार्स रोको मैं खुद गिनती भूल गया हूँ मैं तो। अभी हमारे पास है मस्टैंग, सुपरा और कौन सी थी पोर्च, और ये है हमारे पास एक भाई गाड़ियों के नाम क्यों भूल जाता हूँ मैं, हमारे पास एक ये फरारी है। और तुमको एक सही बात कहूँ तो अभी मेरे पास ऑडिटी है तो उसको मैंने अब तक सेल पे नहीं लगाया, तो उसको हम लोग सेल पे लगाते हैं, बट कुछ फ़ायदा नहीं पड़ने वाला है कि वो वेट मेरे पास 3 स्किल पॉइंट्स है, तो हम लोग ना ये वाला स्किल पॉइंट खरीदते हैं जिससे, अरे यार 1 स्किल पॉइंट से रहा हूँ भाई मैं, नहीं तो हमको बताया ना अगर वो वाला मेरे को 1 स्किल पॉइंट मिल गया ना तो मुझे ना एक अच्छी खासी स्किल मिल जाएगी कि हम लोग ना कार के प्राइस पता कर सकते हैं कि हम लोग उसको कितने हाई लेवल तक बेच सकते हैं, तो हमको पता चलती है। और फरारी की आवाज़ बहुत अच्छी है। अब एक काम करता हूँ, हमारी जो ना ये वाली गाड़ी है ना थोड़ी डैमेज लग रही है तो उसको बेच दूंगा वहाँ पे भेज दूंगा हमारे। और अब एक काम करते हैं, दो मर्सिडीज को दोनों खरीद लेते हैं। एक मर्सिडीज कूप खरीद ली और ले भाई अच्छे इसको साफ़ कर लेता हूँ, और एक और मर्सिडीज कूप बाकी है हमारी तो हमको उसको भी लेना है। और देखो मर्सिडीज कूप भी अच्छा खासा प्रॉफिट देती है भाई, मैंने 6 लाख लाए थे अभी 1,60,000 पे आ चुका हूँ, और एक तो कार बाकी है भाई, फिर पता नहीं कितना कंगाल होगा मैं। दूसरी वाली मर्सिडीज कूप भी भाई खरीद लिया हम लोगों ने, इसका वाइट कलर है भाई, इसको वॉश करते हैं जिससे हमको XP मिलेगी। और सही कहूँ तो हमको अगर हमको स्किल पॉइंट चाहिए तो यही सबसे सही तरीका है, इनको साफ़ करो और हमको फ्री की XP मिलती है, या इनको खरीदो अगर तुमको तो भी XP मिलती है, वो भी एक अच्छा बात लगा मुझे। और भाई हमारी दो मर्सिडीज कूप आ चुकी है, बस मेरे को अरे यार ये भी हल्की सी डैमेज, एक काम करता हूँ उसको भेज देता हूँ। और अभी किसको भेजूँ,
और यार इसको इसके भी थोड़ी डैमेज है, तो चलो इसको भेजते हैं। बट वेट यार, सबसे पहले फरारी को भेजना चाहिए, क्योंकि देखो इसके इसका थोड़ा रिस्क है। अगर हम लोग पता चला कि हम लोग गाड़ी यहाँ पे छोड़ के हमारी गाड़ी गायब हो गई। तो मैंने ना एक बात नोटिस की है कि हम लोग अपग्रेड्स में जाके एक टोइंग ट्रक खरीद सकते हैं, जिससे हमारा ट्रो का एक टो का स्लॉट ओपन हो जाएगा और हम लोग उस टो के स्लॉट में हमारी कार को भी मतलब जल्दी से पहुंचा सकते हैं। टो ट्रक वन, और हम अब वैसे टो ट्रक थ्री है भाई। तो गाड़ी में घुस जा भी पूरी, तो कैसे गाड़ी में घुसी पड़ी है मतलब, तो गाड़ी मैंने उसके अंदर घुसा दिया पूरी। हमारी पॉर्च भी अच्छी चल जल्दी चलते हमारी जनता मोटर्स पे भाई। ये मस्तंग किसने खड़ी कर दी अपने बीच में? अरे वेट, गाड़ी क्या मेरी गाड़ी है भाई, ये तो मैंने टो ट्रक में लगाई थी तो चल रही है। अरे भाई गेम का ग्लिच है क्या? गाड़ी कैसे चल सकती है ऑटोमेटिक भाई? देखो गाड़ी ही बंद है एक तो भाई, ये क्या गेम का ग्लिच है? गेम अभी थोड़ी ग्लिची ग्लिची है ये। अरे भैया जी को बोलता हूँ, हमारी मर्सिडीज कूप और हमारी फरारी को भी जल्दी से खराब कह रहा हूँ तैयार कर दो भाई। हमारी फरारी तो बहुत कम ही डैमेज है, मर्सिडीज कूप से ज़्यादा डैमेज। एक काम करो, दोनों गाड़ी डैमेज रिपेयर होने दो, उसके बाद मिलता हूँ भाई। लोगों मैंने सारी गाड़ियाँ भी पार्क कर दी है यहाँ पे, और हमारी फरारी भी जो है ना वो रिपेयर हो चुकी है। और अभी एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले हमारी सारी गाड़ियों को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सेल करते, क्योंकि हमको थोड़ा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर हम लोग को जाएंगे हमारी फरारी की स्पीड टेस्ट करने के लिए। मैंने अभी तीनों गाड़ियों को सेल पर लगा दिया, दो मर्सिडीज कूप और एक ऑडी टीटी। और अभी देखो, अभी मेरे को गेम स्टार्ट करके 51 डेज हो चुके हैं, और मैंने भाई ऑडी टीटी को तो साफ ही नहीं किया। रुको इसको पहले साफ कर लेता हूँ। और इसकी आवाज़ कितनी खतरनाक रहती है, अगर तुम लोग इसको हेडफोन या अपने ईयरफोन में आवाज़ सुनते होगी तभी तुमको इसकी आवाज़ आएगी, नहीं तो इसकी आवाज़ नहीं आती है। जो पंप रहता है ना हमारा, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी रहती है, नाचने का मन करता है। ओके भाई, इसका कलर ही ऐसा है यार, उसका बैक का कलर पता नहीं कैसा है भाई, किस बंदे ने कलर करा है। ठीक है, बराबर है, अभी हमारी गाड़ी सब बराबर है। अभी हमको चलते हैं हमारी फरारी को देखने के लिए, और कस्टमर अब तक क्या आया नहीं है हमारा। और भाई कस्टमर आ जा, हमारी दो तीन तीन कार खड़ी है भाई, आ गया भाई कस्टमर, तो कस्टमर आ गया। एक काम करते हैं, पहले हम लोग कस्टमर से डील कर लेते हैं, उसके बाद जाके हम हमारी फरारी को देखेंगे। हमारी जो ये ऑडी टीटी है ना, कुछ भी डैमेज नहीं है, कुछ भी पेंटेड वेंटेड भी नहीं है ये तो। और $40,000 बोल रहे हैं भाई, मेरे को खुद को 30,000 की पड़ी है। 50,000 बोल के देखता हूँ भाई, मान जा यार तू, वैसे बेवड़ा लग रहा है ये मुझे भाई। कितने की लेगा यार तू ये? 40,000 बोल रहा है, 40,670 बोल रहा है, 45। अबे वेट, हाँ 45 बोल के देखता हूँ एक बार, मान गया भाई। मेरे को थोड़ा दिल, लोगों दिल खुश रखना चाहिए। ओके लेट्स सी, मर्सिडीज कूप के लिए भी वही बंदा आया है। और कितने की दे रहा है भाई तू? मैंने $1,50,000 की लगाई है, $1,11,000 दे रहा है, बुरी बात नहीं है भाई, अच्छी खासी दे रहा है प्राइस, बहुत फ़ायदा है मेरा। 50,000 ऊपर का मेरा प्रॉफिट चलेगा तो बहुत अच्छी बात रहती है हमारे लिए। 1,13,000 बोल कर तो मान जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इतना तो। ओके 2,68,000 $2 हो चुके, 246। और दो दो कस्टमर खड़े हैं हमारी दूसरी वाली मर्सिडीज कूप के लिए। ये गाड़ी तो पूरी पेंटेड है, तो इसके कम ही पैसा देंगे ये लोग भाई। 98 बोल रहा है, वो मजाक चल रही है क्या? उसके घर वालों ने भी कभी मर्सिडीज कूप देखी है क्या? $98,000 में। और ये दीदी जी अच्छी है, $1,05,000 दे रहे हैं, 1,13,000 नहीं करके देखता हूँ भाई, क्योंकि प्रॉफिट हमको चाहिए बहुत ज़्यादा ही। ओह लेके चली गई भाई 3,81,000। अरे यार भाई, मैंने सोचा कि अभी मैं जाके हमारी फरारी का पूरा उसको रिपेयर वगैरह कराऊंगा और उसको थोड़ा कलर वलर कराऊंगा, बट रात हो चुकी है। तो एक काम करते हैं, मैं ना सीधा, और गाड़ी डैमेज है कुछ नहीं है, TCS कुछ लगा हुआ है, कुछ ABS भी लगा हुआ है। तो एक काम करता हूँ, मैं सुबह करता हूँ, उसके बाद तुमसे मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई भाई लोगों, सुबह हो चुकी है और अभी हमको जो है सबसे पहले हमारी फरारी को कलर कराना है और इसको बस साफ करने दो, उसके बाद हम लोग कलर करेंगे। और भाई लेट्स सी कितना टाइम लगता है इसको। मैं काम कर रहा हूँ, उसकी दुकान के बाहर जाता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। कार ऑप्शन चालू होते, काम करते कार ऑप्शन में भी गाड़ी देखते भाई। भाई ऑक्शन में तो कुछ काम की गाड़ी भी नहीं दिखी, तो मैंने सोचा कि चलो हम लोग आते हैं हमारी सबसे पहले। इसके अंदर मेरे को ड्रिफ्ट किट नहीं डालनी है, और इसके अंदर भाई ड्रिफ्ट किट शायद से नहीं लगी है, तो मैंने इसको डिफॉल्ट किट लगा देता हूँ, मैंने खरीद ली तो भी। और देखो भाई, ड्रिफ्ट किट नहीं रहेगी तो अच्छी बात है, क्योंकि इस गाड़ी गेम के अंदर कुछ वो ग्लिच रहता है इसके अंदर। तो एक काम करते हैं हम लोग, वेट भाई मेरे को लगा भाई ड्रिफ्ट मार रही है क्या ये। और चलो हम लोग सबसे हमारी गाड़ी पर कलर कराते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे ड्रिफ्ट व्रिफ्ट किट को। रेसिंग किट डाल दी है हमने इसके अंदर, और हट जा भाई, उसकी गाड़ी खड़ी थी बीच में हट गई अभी तो। और भैया जी कितने पैसे लूँगे तुम कलर कराने के? मैं सोच रहा हूँ उसके अंदर रेड ही कराऊँ, क्योंकि रेड कलर और अच्छा लगता है फरारी के अंदर, ब्लैक नहीं, ब्लैक ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ब्लैक होता है तो अच्छी नहीं लगती मुझे। ब्लैक गाड़ी अच्छी लगती है मुझे, बट इस गेम के अंदर पता नहीं क्यों नहीं अच्छी लगती मुझे। और रेड ही कराने वाला हूँ भाई मैं इसको तो।
मैंने सोचा कि ये वाला कलर करूँ और चलो थोड़ा कर लेते हैं हम लोग रेड कलर पूरा, और क्या सही गाड़ी लग रही है ना। और एक काम करते हैं, मेरे को थोड़ा मेटलिक और स्मूथनेस भी देखते हैं। और भाई देखने तो पहले अगर अच्छी लगी तो ही कराऊंगा, नहीं तो बेमतलब का तो मैं नहीं कराऊंगा। छी भाई मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया, नहीं करानी है भाई इसको, रहने दो। हम लोग स्मूथनेस है इसको, मेटलिक को कुछ नहीं कर रहे, हम लोग चुपचाप से चलते हैं हमारी गाड़ी को थोड़ा वो करते हैं। इसके अंदर ट्रिकी ट्विट डालेंगे, मुझे नॉस भी नहीं है इसके अंदर, नॉस भी डालना पड़ेगा भाई। देखो अभी भाई आज तुम अच्छे से काम करो, हमारी गाड़ी के अंदर रेसिंग किट डाल दो, टर्बो डाल दो, नॉस डाल दो। भाई नॉस आ गया हमारी गाड़ी के अंदर। सस्पेंशन क्या है यार भाई, रहने तो, सस्पेंशन तो बहुत खतरनाक चीज़ है ये भाई। अगर सस्पेंशन ऑन रहेगा तो हमारी गाड़ी बहुत बम्प मारेगी, तो बिल्कुल नहीं। इसके अंदर मस्ती मजाक हम गेम के, गेम का जो डिफॉल्ट है भाई उसको ही रहने दो। और भाई और ये वैसे सुपर कार नीचे ही अच्छी लगती है, ज़्यादा ऊपर अच्छी नहीं लगती। और लाइट्स नहीं, लाइट्स में कुछ मजे नहीं करने। और हाँ, नंबर प्लेट हम लोग रखेंगे यशु गैंग। और यशु गैंग तुम्हारी पावर दिखाओ, लाइक करो सब्सक्राइब करो। और यशु गैंग कैपिटल लेना चाहिए भाई हमारे। जी नहीं यार, ए नहीं आया, आ गया आ गया। चलो इसको करते हैं हम लोग, सबसे पहले पैसे दे दो। और ये क्या, अरे भाई चक्की, आई मीन इसके एलॉय, लेट्स सी एलॉय कितने भाई। सबसे महंगा लगाऊंगा मैं तो हमारी फरारी है भाई, पैसे हैं खर्च कर लो। ठीक है चलो भाई, आ गए हमारी एलॉय, आ गई गाड़ी, क्या लग रही है। और अभी हम और कोई काम भी नहीं है, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं हमारी फरारी को लेके टेस्ट करने के लिए। चल भाई चढ़ा दे सीधा हमारी गाड़ी, इसके ऊपर दीदी जी है। वैसे उस दिन तो उसके भैया जी खड़े थे, आज दीदी खड़ी है हमारी। हमको दीदी तुम लेके जाओ तुम्हारी ट्रक के अंदर। लेट्स सी कहाँ, डेजर्ट चलते हैं, नहीं फॉरेस्ट चलते हैं। चलो फॉरेस्ट हम लोग क्योंकि कभी गए नहीं है, पहुँच चुके हैं। सही कहूँ तो फॉरेस्ट ज़्यादा अच्छा है भाई उस डेजर्ट से तो। और भगा भाई गाड़ी, देखते हैं इसका 0 to 100 कितनी देर में है। 0 to 100 भाई बहुत ही कम है इसका। पोर्च का पता है नॉस लगाया था तब जाके वो 7 seconds में गई थी 0 to 100। नॉस लगाने के बाद ये बिना नॉस के 7 seconds में चली गई। और इसकी हाई स्पीड चेक करनी है हमें, 1 to 100 क्रॉस हो चुकी है भाई, बहुत जल्दी भग रही है ये। और सही को तो नॉस और किट विट डलाने के बाद इतनी फास्ट गई है, नहीं तो वैसे नहीं जाती है। आई थिंक इसकी हाई स्पीड 300 तक की होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी इसकी भी। और भाई इसके बीच में से घुसा दो क्या गाड़ी, नहीं भाई पता डैमेज खा रही है मेरी गाड़ी। वैसे इसके ऊपर बहुत खर्चा किया है हमारे भाई। मेरे गेम देख रहे हो, मेरी स्क्रीन कितनी वेरी हो रही है, वो पूरी जो मेरी स्क्रीन फ्लश हो रही है ना, ऊपर नीचे हो रही है, देखो तुम लोग। और भागा भाई गाड़ी 300 तक के, भाई मैं बोला 300 तक के, और भाई 300 क्रॉस हो गई है तो 310, 11 भाई 12 अभी क्रॉस ही करते जा रही है, कितना जाएगी 330 तक के हो उस तो। भाई 322 हो चुका है हमारा। रास्ता इतना छोटा है कि रास्ता ही पता नहीं कर पा रहा कि हमारी स्पीड कितनी है, समझ सकते हो, रास्ता भी छोटा पड़ रहा है। अभी देखो हम लोग को क्या करना है, हम लोग है ना फुल नॉस लगा के भगेंगे ऐसे। उनको हम लोग देखते हैं कि नॉस लगाने के बाद 0 to 100 कितनी देर में होता है। थोड़ा पीछे लेने दो, 1 2 3 बूम भाई, लेट्स सी नॉस लगाना मत कितनी देर में पहुंचती है 0 to 100 भाई 4.8 seconds में। मतलब ऐसे कवर किया समथिंग 3.2 सेकेंड से कंप्लीट किया है पूरा, मतलब 3.2 सेकेंड से कम किया है, 7 सेकेंड दे रही थी परफेक्ट। और देखते हैं नॉस लगाने के बाद इसकी हाई स्पीड हमको पता चलती है कि नहीं पता चलती है। 230 क्रॉस, 250 भी क्रॉस हो चुकी है भाई हमारी, तो क्या रफ्तार में गाड़ी भगती है। हम लोग देखते हैं कि 322 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी नॉस के बाद। और 270 भाई 300 तो यूँ चले जाती है ये, 300 तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बस अभी हमको इसकी हाई स्पीड पता करनी है, पोर्श से ज़्यादा, पोर्श जो हमारी गाड़ी है उससे ज़्यादा इसकी स्पीड है 310, 320 भी क्रॉस कर दी भाई। मैं अब तक 15 बोल रहा हूँ तब तक ही 20 क्रॉस कर दे रही। चलो हमारा जो पिछला रिकॉर्ड था बिना नॉस था वो भी इसने क्रॉस कर दिया। ओ भाई ये क्या हो गया, अरे ये किधर गाड़ी का क्या ग्लिच है क्या भाई। नहीं नहीं भाई चलो चलो हो गया। और वैसे मैं सही कहूँ तो इसकी हाई स्पीड अभी मैं लिख के दे रहा हूँ 350 तक की होगी। हमारा जो रास्ता है ना वो कम पड़ रहा है इसकी स्पीड पता करने के लिए, तो इसमें हमको हमारा अनुमान लगाना पड़ेगा, मतलब हमको इसमें हमारा जो भी गैस है वही लगाना पड़ेगा क्योंकि रास्ता छोटा पड़ रहा है। तो हम गेम वालों डेवलपर्स तुमसे बस यही कहूँगा कि तुमने रास्ता थोड़ा छोटा किया, थोड़ा बड़ा करो यार रास्ता। मैं तुम्हें यही कहूँगा क्योंकि तो फरारी की स्पीड इतनी कि रास्ता छोटा पड़ रहा है इसकी स्पीड निकालने के लिए। भाई लोगों अभी मैं आ चुका हूँ मैं नेबरहुड की तरफ, क्योंकि मेरे को देखो अभी मेरा गोल है कि मेरे को एक अपना स्किल पॉइंट खरीदना है, क्योंकि मैंने तुमको जो बोला था। तो अभी मैं काम करता हूँ तो मैं ज़रूर ज़रूर पता होगा कि हम लोग कार्स को, मतलब कार्स को बाय करके भी हमारे एक्सपी ना उसको बढ़ा सकते हैं, तो मैं ये ट्रिक भी लगाता हूँ। और कार को हम लोग क्लीन करेंगे तो उससे भी हमको एक्सपी मिलेगी। तो देखो दिमाग के काम करना है भाई, देखो दिमाग तो हमारे पास बहुत ही है। और हमारी गाड़ी भी हमने खरीद ली उसकी भी 10 XP मिली है, और उसको क्लीन करेंगे तो उसकी भी हमको बहुत XP मिल ही जाएगी। और अभी देखो यहाँ पे हम लोग और कार खरीदेंगे तो और हमको मिलती जाएगी, और बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। और लेट्स सी कितना होता है,
अब मेरा 260 तो हो चुका है, बस मेरे को 300 चाहिए। तो एक काम करते हैं, मैंने सीधा कार को भेज देता हूँ, वहाँ पे डैमेज है क्या? हाँ डैमेज, तो चलो उसको रिपेयर में हम लोग भेज देते हैं। और हमारे साथ को, हमको इसके इससे हम इस कार से हमको एक्सपी मिल चुकी है। और अभी तुम लोग कह रहे होगे कि अभी देखो हाँ हमारे सारे टो स्लॉट और हमारे रिपेयर वाले स्लॉट सब भर जाएंगे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? और तुम्हें सबको, तो मैं एक बार ऑफ स्क्रीन में खेल रहा था, तो मैंने एक बार गाड़ी रास्ते पर रख दी थी और उसके बाद हमको वो गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी। तो ऐसा हो सकता है गेम के अंदर। और अब चलो इस वाली कार को भी खरीदते हैं, और सस्ती मिली तो खरीदूंगा भाई, इस पर बार्गेन तो करना पड़ेगा। और एक काम करता हूँ, मैंने बहुत सारी कार खरीदता हूँ, साफ करता हूँ, एक्सपी मिले तो उसके बाद तुमसे मिल जाए, तुम्हारा भी टाइम पास नहीं होना चाहिए। रात हो चुकी है, गाड़ी भी साफ हो चुकी है। चलो अभी हमको 287 भी हो चुकी है भाई हमारी, इसको भेज देता हूँ टो ट्रक पे। चलो अब सोते हैं भाई। मैं सो के सीधा यहाँ पर आया हूँ हमारे नेबरहुड की तरफ, क्योंकि तुम बस हमको थोड़ा ही चाहिए, और 12 और 13 के समथिंग ही चाहिए। और ये कौन सी गाड़ी है? बी ए ऑडी S4 भाई, मेरे को BMW लगी। और ये 18,000 के 10 बोल के देखता हूँ, क्योंकि इतनी महंगी गाड़ी तो मैं भी नहीं खरीदूँगा। और 10,000 की दे दे यार, मैं एक बार इसको करूँगा, अगर दी तो दी, नहीं तो भाई एक और, चलो एक बार ट्राई करते हैं, 12 बोल के देखता हूँ, 11, चलो 12 भाई बहुत हो जाएगा, 12 में तो दे देगी, 1100 भी ऊपर, 1,56 भी नहीं दूंगा। रहने दे भाई, तेरी गाड़ी तेरे पास ही रख। ये रही हमारे मर्सिडीज कूप, एक काम करता हूँ मैं इसको खरीद ही लेता हूँ, क्योंकि ये गाड़ी हमको गाड़ी प्रॉफिट भी देती है। और दे दे भाई, और साफ भी करेंगे हम लोग तो भी हमको एक्सी मिल जाएगी, मतलब कि हमको ये लास्ट गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, उसके बाद हमारा सारा काम हो जाएगा। और 80,000 बोल के देखता हूँ, क्योंकि ये बंदा थोड़ी महंगी दे रहा है, 86 की दे रहा है, तो 80 में दे देना चाहिए। $80,000 भाई, अच्छा ज़्यादा मैंने जीरो भाई, जीरो का मुझे पता नहीं चलता, मेरा जीरो कभी कभार एक्स्ट्रा कम भी लग जाता है। और बता भाई कितने की दे रहा है? ओ दे दी भाई 10x भी दे दी इसको। चलो सबसे पहले तो साफ करते हैं, उसके बाद हमारा सारा काम हो जाएगा। मेरे को ना अभी देखो स्किल पॉइंट भी मिल चुके हैं, और हमारी गाड़ी भी थोड़ी सी साफ हो चुकी है। तो अभी देखो हमको सबसे पहले हमारा स्किल पॉइंट लेना है, उसके बाद मैं इस वीडियो को ऑफ कर दूंगा। अभी तुम लोग बताओ कि मैंने इन गाड़ी को, चलो मैं इन गाड़ी को सारी जितनी भी खरीदी उनको ऑफ स्क्रीन में बेच दूंगा, उससे मेरा बहुत प्रॉफिट भी हो जाएगा। और मैं अभी देखो, अभी तुम लोग मेरे को बताओ कि क्या अब मेरे को अभी नेक्स्ट वीडियो में कौन सी सुपर कार खरीदनी चाहिए। मैं लैम्बोर्गिनी सोच रहा हूँ, दूसरी ऑडी आ रहा है, ठीक है चलो हम लोग दो गाड़ियों की चॉइस रखते हैं तुम्हारे सामने, और तुम्हारे सामने तीन चॉइस रखता हूँ मैं, पोर्श का कलर कौन सा चेंज करें, कौन सी गाड़ी का कलर चेंज करना हो तुम बताओ, और बता दो, थोड़ा याद आने दो मुझे भी। और एक काम करते हैं हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में कौन सी सुपर कार खरीदी। और अभी तुम कह रहे हो कि मैं स्किल पॉइंट खरीदा, उसका क्या यूज़ है? तो देखो अभी स्किल पॉइंट से हमें पता चल जाएगा कि हम लोग इस कार की प्राइस कितनी रख सकते हैं। तो अभी देखो इस गाड़ी की प्राइस जा सकती है 46 / 64, भाई पता ही नहीं, मुझे दिख नहीं रहा है, इतने के अराउंड हम बेच सकते हैं इस गाड़ी को, जो कि ये मस्टैंग है हमारी। और सही कहूँ तो हम लोग इससे हमारा बहुत फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि लोग भाई अच्छे से खरीदेंगे हमारी गाड़ी। और देखो अच्छा हमारा दिन गया है आज का, हमारी ऑडी जो हमारी मर्सिडीज कूप है उसको रखते हैं वहाँ पर ही। और गाइस होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। और कुछ है क्या? और मैंने कौन सी गाड़ी खरीदी? फरारी है, देखो फरारी कितनी की जाएगी, मैं खुद वो सोच रहा हूँ, फरारी जाएगी 4,94,000 भाई। नहीं 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 बेचनी नहीं है भाई, इतनी तो हमें भी नहीं पड़ी, हमको खुद को 4,00,000 की पड़ी है भाई, 90 इतना कम थोड़ी ना प्रॉफिट करूँगा मैं, ठीक है चलो गाइस। और हमारी फरारी कितनी सही है। और अभी तुम बताओ नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग ऑडी RR खरीदे कि लैम्बोर्गिनी खरीदे। ऑडी RR थोड़ी लैम्बोर्गिनी से महंगी, और लुक में भी ऑडी RR बहुत अच्छी है, तो तुम बताओ कि मैं कौन सी खरीदूँ। और ऑडी RR थोड़ी अच्छी गाड़ी भी है, लैम्बोर्गिनी में अच्छी है, उसके लिए भी कुछ नहीं बोल रहा, फरारी बहुत सही लग रही है वैसे तो, ठीक है। अभी तुम लोग कमेंट करो, तो होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। जनता मोटर्स का हम लोग आउट और नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग अभी नेबरहुड में खड़े, तो होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, हमें कमेंट का तो अभी मैंने तुमको बोला तो कर देना, और बेल नोटिफिकेशन का भी ऑन करो, जैसे इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा वो तुम लोग देख लेना, पिछले एपिसोड में जाकर देख लो प्रीवियस वाले। तो चलो गाइस बाय 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 बाय, हमारी इतनी ट्रैफिक क्यों लगा के रखी है, चलो बाय बाय दोस्तों।